आप सभी का स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप के प्लेटफॉर्म पर। देखते हैं कौन कौन मेरे साथ लाइव है। अगर आप लाइव हैं प्लीज टाइप इन द मैसेज एंड लेट मी नो दैट यू वाचिंग दिस सेशन लाइव। जैसे टाइप इन कीजिएगा और मेरे को बताएगा कि आप लोग लाइव हो चुके हैं और ये सेशन आप लाइव देख रहे हैं। पूजा जय हिंद, विवेक जय हिंद, संगमित्रा जय हिंद। और कौन कौन है मेरे साथ लाइव, अगर आप लाइव है टाइप इन करते रहेगा और मेरे को बताते रहेगा कि आप लोग लाइव है और ये सेशन आप लाइव देख रहे हैं मेरे साथ। लेट सी हु इज लाइव राइट नाउ विद अस। सुभा दर्शनी गुड इवनिंग, विवेक चौहान हेलो, एंड रोशन जय हिंद, नैन्सी गुड इवनिंग। और कौन कौन है मेरे साथ लाइव टाइप इन कीजिएगा। सोनिया गुड इवनिंग, दिव्या जय हिंद, रंजीत जय हिंद, कल्पना सत श्री अकाल, एंड विवेक आप लेट हो गए, हाँ जस्ट 5 मिनट्स लेट। ऑलराइट, तो बताएगा कौन कौन मेरे साथ लाइव है। अगर आप लाइव है प्लीज टाइप इन द मैसेज, मैसेज टाइप इन करते रहे, मेरे को बताते रहे कि आप लोग लाइव हो चुके हैं। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स को, और बायोस्फीयर रिजर्व्स यानी कि जो जैव मंडल जो रिजर्व्स है उनके बारे में हम बात करेंगे। ऑलराइट, प्लीज सर इन हिंदी। कल्पना बेटा मैं बायलिंगुअल लैंग्वेज यूज करता हूँ, जो आम बोलचाल वाली भाषा है, ठीक है, उसी में वी मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, तो जल्दी टाइप इन करते रहेगा, मेरे को बताते रहेगा कि आप लोग लाइव हैं। और साथ ही साथ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलिए आज हम बात करेंगे आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स की, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है, जो हमारे जो बायोस्फीयर रिजर्व्स आपके हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, हमारे सेशन में। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में कि एक्चुअली में बायोस्फीयर रिजर्व्स है क्या। जय हिंद रंजू संजू। ऑलराइट, पार्लियामेंट में क्या हो गया है धीरज, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और राइट रंजीत, हिंदी मीडियम बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सिंपल लूसिड लैंग्वेज आपका यहां पर यूज की जाएगी। गुड इवनिंग लक्ष्य, आई एम गुड। ऑलराइट, तो जो बायोस्फीयर रिजर्व्स जब हम बात करते हैं आपका, बायोस्फीयर रिजर्व्स एक्चुअली होते क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का, ये आपका कंसेप्ट जो है एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम के थ्रू आपका जो है लॉन्च किया गया। ओके, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल प्रोग्राम के थ्रू आपका जो है एक साइंटिफिक प्रोग्राम था जो आपका लॉन्च किया गया यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया 1971 में, और ये जो प्रोग्राम है ये आपका बेसिकली 1971 में यूनेस्को के द्वारा ये आपका जो है लॉन्च किया जाता है ताकि हम एक साइंटिफिक बेसिस आपका बना सके और उसके थ्रू हम इंप्रूव कर सके आपका जो रिलेशनशिप है पीपल और एनवायरमेंट के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में आपका जो एक रिलेशनशिप है उसको इंप्रूव किया जा सके, उसके लिए आपका मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है आपका रिलीज किया गया, ये आपका लॉन्च किया गया। और ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका जो है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आपका जो है एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है या मिलता है, जहां पर बेसिकली अगर हम बात करें आपका तो तीन इंटरलिंक्ड इश्यूज है। फर्स्ट इश्यू इज बायोडाइवर्सिटी लॉस, जो आपका जो है बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, साथ ही साथ सेकेंड इशू इज क्लाइमेट चेंज, एंड थर्ड इशू इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ छोड़ जाए। और इन तीनों चीजों को आपका इंटरलिंक करके जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है या बायोडाइवर्सिटी जो बायो रिजर्व्स है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, वहां पर इनके ऊपर आपका जो है पूरी की पूरी आपका जो है खोजबीन या फिर आपका जो है जांच पड़ताल या आप कह सकते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो आपका होती है। मैं ये क्लास यूपी पुलिस के लिए ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकते हो कल्पना, ठीक है। जय हिंद अंकुर एंड निशांत हेलो एंड गुड इवनिंग। प्री रिक्विजिट बिफोर स्टार्टिंग क्लास 11th ज्योग्राफी, बेटा प्री रिक्विजिट यही है कि आप पहले 9th-10th की ज्योग्राफी पढ़ ले, ठीक है, अदरवाइज अगर आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो देन यू कैन स्टार्ट योर ज्योग्राफी फ्रॉम क्लास 11th। आपकी क्लास एफ कैट के बैच में 6 PM ज्योग्राफी का क्लास था, हाँ रोशन, वो अभी आई एम लुकिंग इन टू इट बिकॉज दैट क्लास वो पहले ऑलरेडी जो है दूसरे फैकल्टी ले रहे थे, तो मेरी बात हुई है अभी उसके ऊपर, आपका जो है क्लैरिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद फिर वो क्लासेस जो है वो आपका चलने लगेंगी, डोंट वरी रोशन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व जो है, बायोडाइवर्सिटी और बायोस्फीयर रिजर्व में डिफरेंस, बेटा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, देखो जब हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक आपका जो है इट इज बेसिकली आप ये कह सकते हो कि एक ब्रॉड क्राइटेरिया है जहां पर बायोस्फीयर रिजर्व में जो पीपल और एनवायरमेंट है उसके इंटरेक्शन को आपका बेटर किया जाता है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अगर आप बात करो शिवम,
तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, जहां पर आपका एंडेमिक प्लांट्स होते हैं, एंडेमिक आपका वैरायटीज होती है, स्पीशीज होती है, और वहां पर आपका 70% आपका अगर लॉस हो जाए उन एंडेमिक वैरायटीज का, तो देन वो आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है, जहां पर आपका जो है नुकसान हुआ हो. ऑलराइट, तो दैट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. SDG इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बिल्कुल सही बात है. 17 आर देयर, बिल्कुल. हेलो सर, आई एम प्रीमियम स्टूडेंट ऑफ द ऐप बट आई डिडंट गेट योर क्लास. तो शेखर बेटा, मेरे बैचेस हैं, देयर आर डिफरेंट बैचेस इन विच माई क्लास इज रनिंग, आप देख सकते हो, ठीक है, यू कैन सी इन दी यू नो कोर्स. ऑलराइट ऑलराइट, चलिए अब अगर मैं यहां पर बात करूं आपका CDS, बेटा CDS का लैंग्वेज जो है दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश, लेकिन आपका जो FCAT का लैंग्वेज है वो सिर्फ आपका इंग्लिश में ही होता है. लक्ष्य बैच में है 8 PM, बिल्कुल बिल्कुल आ जाना ज्योग्राफी के लिए, ठीक है. अब हम यहां पर बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स होते क्या है. बेसिकली आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है, जो जितने भी आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स है, ये आपका लर्निंग प्लेसेस है, जहां पर हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपका वहां पर एक कंप्लीट स्टडी जो है वो आपका करते हैं, ठीक है. लर्निंग फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि यहां पर आपका जो है बेसिकली जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है, ये आपका जो है अगर आप देखोगे बायोस्फीयर रिजर्व्स को, तो ये कैसे बनाए जाते हैं, ये आपका ऑलरेडी एस्टैब्लिश जो नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वहां पर ये आपके जो है डेवलप किए जाते हैं. तो वहां पर किस तरीके से आपका जो है एक प्रॉपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका किया जाए, और वहां पर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो नॉलेज है उसको शेयर किया जाए, वही आपका जो है दैट इज दी बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है. तो यहां पर हम जो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस को टेस्ट करते हैं, ठीक है, और अंडरस्टैंड करते हैं, मैनेज करते हैं कैसे आपके चेंजेस होते हैं, इंट्रैक्शन होता है सोशल और इकोलॉजिकल सिस्टम में. सोशल मैंने आपको बताया कि पीपल, जो लोग वहां पर रहते हैं, और जो एनवायरमेंट है, उन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, उनके बीच में किस तरीके से इंट्रैक्शन किया जा सके ताकि वो बेटर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपका जो है वो प्रॉपर हो, तो दैट इज दी बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है. और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहां पर बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें, तो इसमें तीनों आ जाते हैं, इसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी है, मरीन इकोसिस्टम भी है, और कोस्टल इकोसिस्टम भी है. तो जब हम बात करते हैं आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स की, तो अगर हम देखें तो ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है. कौन से इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, जो कि आपका मैप प्रोग्राम में है, ठीक है. मैप प्रोग्राम में जितने भी आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो सभी आपके इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स 18 है, लेकिन आपका 12 ही आपका इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है. और साथ ही साथ ये सॉवरन जुरिडिक्शन में रहते हैं, यानी कि आपका इंडिया के ही जुरिडिक्शन में रहते हैं, और अपने एक्सपीरियंसेस आइडियाज को नेशनली रीजनली और इंटरनेशनली आपका शेयर करते हैं. जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वर्ल्ड का, वो 1979 में आपका एस्टैब्लिश किया गया था, कूबर्ग पेनिनसुला नाम से आपका कैनेडा में है. और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, टोटल आपका जो है 738 बायोस्फीयर रिजर्व है अभी तक इंडिया में, सॉरी इन दी वर्ल्ड 134 कंट्रीज में आपका 738 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका मेंटेन किए जा चुके हैं, ठीक है. इसके जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी होते हैं वो लोकल पीपल और आपका जो है नेचर, यानी कि जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है वो होता है, लेकिन इनडायरेक्टली ये आपका साइंटिस्ट, गवर्नमेंट, डिसीजन मेकर्स और वर्ल्ड कम्युनिटी को बेनिफिट करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां पर जो है बेसिकली नॉलेज शेयर की जाती है बिटवीन दी यू नो द डिफरेंट गवर्नमेंट्स, कि आप किस तरीके से पीपल और आपका नेचर के बीच में आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर रहे हैं. अब अगर हम बात करते हैं आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स की, तो इसके तीन फंक्शन है. सबसे पहला तो है आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. जो भी इकोसिस्टम है, स्पीशीज है, जीन्स है, इनको कंजर्व किया जाता है, क्योंकि जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है ये आपके वहां पर बनाए जाते हैं जहां पर ऑलरेडी एस्टैब्लिश नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है. साथ ही साथ यहां पर आपका एसोसिएशन ऑफ एनवायरमेंट और डेवलपमेंट, इन दोनों को एसोसिएट किया जाता है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो आपका देखा जाता है. प्लस लॉजिस्टिकल सपोर्ट आपका मिलता है रिसर्च और मॉनिटरिंग के लिए इंटरनेशनल नेटवर्क से. ये आपका फंक्शंस होते हैं, थ्री फंक्शंस है बायोस्फीयर रिजर्व्स के. जो बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे बीच में आपका कोर जोन बनाया जाता है. ये जो कोर जोन है बिल्कुल बीच में आप देख रहे हैं, ये कोर जोन बिल्कुल फुली प्रोटेक्टेड रीजन होता है, पूरी तरीके से आपका जो है प्रोटेक्टेड होता है, जहां पर कोई भी आपका एक्टिविटी नहीं होती, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता फ्रॉम दी ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि लोगों के द्वारा,
और यहां पर एंट्री बहुत स्पेशल कंडीशन में ही आपका अलाउड होती है कोर रीजन में, ठीक है। उसके बाद फिर बफर जोन होता है, बफर जोन आपका कोर के आसपास होता है, ये ब्लू कंडीशन में आप देख रहे हो। ये बेसिकली आपका रिसर्च और एजुकेशन के लिए यहां पर एक्टिविटीज अलाउड होती है, बाकी एक्टिविटीज यहां पर अलाउड नहीं होती है। एंड देन वी हैव द ट्रांजिशन जोन, ये जो बाहर आप देख रहे हैं सबसे आउटर जोन जो होता है, यहां पर आपका जैसे सेटलमेंट है, क्रॉपिंग है, फॉरेस्ट्री है, रिक्रिएशन है, या बाकी आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, वो आपका अलाउ की जाती है इन द ट्रांजिशन जोन। तो बायोस्फीयर रिजर्व में आपको ये तीन जोन आपको देखने को मिलेंगे, कोर, बफर जोन एंड द ट्रांजिशन जोन। तो जैसे मैंने आपको बताया कोर एरिया ये लीगली एस्टैब्लिश्ड होता है, लीगली एस्टैब्लिश्ड मतलब या तो ये आपका एक नेशनल पार्क होगा या फिर ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ ये आपका सफिशिएंटली लार्ज होता है ताकि हम यहां पर कंजर्वेशन जो है वो आपका कर सके, प्रॉपर कंजर्वेशन एफर्ट्स हम डाल सके। एंड प्लस ये यूनिफॉर्म नहीं होता है और ये आपका यहां पर कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस आपका नहीं होता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं बफर जोन का, तो ये आपका कंटीजुअस जोन होता है जो कि कोर के आसपास होता है और यहां पर जो एक्टिविटीज है वो कंजर्वेशन एफर्ट्स को आपका जो है हिंडर या उनको जो है इंटरफेयर नहीं करती है। यहां पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जाती है ताकि हम जो है अलग अलग चीजों को समझ सके, जैसे टू डिस्कवर वेज टू मैनेज वेजिटेशन, क्रॉपलैंड, फॉरेस्ट एंड दी फिशरीज, यानी कि आपका वेजिटेशन है, वनस्पति है, क्रॉपलैंड है, फॉरेस्ट है, फिशरीज है, उनको किस तरीके से बेटर तरीके से आपका जो है मैनेज किया जाए। एनहेंस हाई क्वालिटी प्रोडक्शन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसे आपका जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए लेकिन प्रोडक्टिविटी को हाई रखा जाए। क्योंकि देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं, है ना, लेकिन एट द सेम टाइम हमें इकोनॉमिकली डेवलप भी करना है। तो दोनों चीजों को कैसे आप एक साथ बैलेंस करेंगे उसके लिए भी एक्सपेरिमेंट्स यहां पर होते हैं। एंड साथ ही साथ जो यहां पर आपका डिग्रेडेड एरियाज हैं उनको रिहैबिलिटेट कैसे किया जाए वो भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यहां पर आपका कंडक्ट की जाती है। और यहां पर एजुकेशन, ट्रेनिंग, टूरिज्म, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज आपका हो सकती है इन दी बफर जोन, ठीक है। इसके बाद ट्रांजिशन जोन की बात करें तो आउटर मोस्ट पार्ट होता है आपका जो है किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व में, और ये जोन ऑफ कॉपरेशन है जहां पर कंजर्वेशन, नॉलेज, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपका अप्लाई की जाती है अलॉन्ग विद दी बायोस्फीयर रिजर्व कंजर्वेशन। और साथ ही साथ अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर सेटलमेंट्स हो सकते हैं, लोग यहां पर रह सकते हैं, क्रॉपलैंड्स हो सकते हैं, मैनेज फॉरेस्ट हो सकते हैं और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज भी आपका यहां पर हो सकती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें आपका जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स की, बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो यहां पर बायोडाइवर्सिटी है ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स में मिलती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम सर्विसेज मिलती है, जैसे क्लीन एयर, क्लीन वाटर और साथ ही साथ फूड। इसी के साथ साथ ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कल्चरल और स्पिरिचुअल वेलबींग में आपका लोकल कम्युनिटीज के, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द लाइफ, जो हमारी जो लाइफ फॉर्म है वो बिना बायोडाइवर्सिटी के आपका सस्टेन नहीं कर सकती है। अब अगर यहां पर बात करें आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स, जैसे मैंने आपको बताया टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिसमें सबसे पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपका नीलगिरी माउंटेन्स में लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट्स में, और साथ ही साथ ये लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है इंडिया का, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में आपका जो है एक्सपैंडेड है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपका फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था इंडिया का, जिसको 1986 में आपका एज अ बायोस्फीयर रिजर्व जो है घोषित किया गया। इसमें आपका जो है अलग अलग प्रोटेक्टेड एरियाज पाए जाते हैं, जिनमें आपका है मुदुमलाई नेशनल पार्क है, मुकुर्ति नेशनल पार्क है और सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ नेचुरल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट इज इन तमिलनाडु। इसी के साथ साथ नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, ये दोनों आपका कर्नाटका में है, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और करिमपुजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका केरला में लोकेटेड है। तो जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका तीन स्टेट्स में आपका फैला हुआ है, बेसिकली आपका तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, यू कैन सी द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, उसकी लोकेशन भी देख सकते हैं। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1984,
लेकिन मैप प्रोग्राम में इसको 1986 में शामिल किया गया। तीनों आपके राज्य हैं, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक इसमें शामिल है, वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मुदुबलाई, निलंबूर और साइलेंट वैली, ये इसका पार्ट है। और यहां पर आपका नीलगिरी तहार, टाइगर और लायन टेल मकाक्यू जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। बेटा स्क्रीनशॉट क्यों लेना है, पूरी पीडीएफ में इंक्लूडेड है। तो आप यहां पर देख सकते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क, ये आपका हिमाचल में है, सॉरी उत्तराखंड में है। 1988 में आपका एस्टैब्लिश किया गया उत्तराखंड में, और ये चामोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आपका फैला हुआ है नंदा देवी पार्क। और यहां पर स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर जो है वो आपके यहां पर देखे गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नॉकरेक की, नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो कि आपका नॉकरेक नेशनल पार्क के एरिया में आपका फैला हुआ है, जो इसका कोर एरिया है दैट इज नॉकरेक नेशनल पार्क। ये आपका नेशनल पार्क है जो कि आपका लोकेटेड है मेघालय में। ठीक है, लगभग आपका तूरा पीक है, वहां पर आपका तूरा पीक है, उससे 2 किलोमीटर दूर आपका नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका लोकेटेड है। अगर मैं बात करूं आपका ये यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व्स में आपका शामिल है मई 2009 से, और यहां पर नॉकरेक नेशनल पार्क के साथ साथ बालपक्रम नेशनल पार्क भी आपका इसमें इंक्लूडेड है। नॉकरेक नेशनल पार्क आपका एस्टैब्लिश किया गया था 1988 में मेघालय में, और वेस्ट गारो हिल्स वाला एरिया में आपका लोकेटेड है। यहां पर रेड पांडा जो है वो आपका एक मेजर स्पीशीज है जो कि देखी जाती है। इसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये आपका लार्ज शैलो बे है जो कि आपका लक्षद्वीप सी में, सी जो आपका लक्षद्वीप सी है, लक्षद्वीप सी में आपका जो है लोकेटेड है इन इंडियन ओशन। ये आपका जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपका लोकेटेड है, और यहां पर आपका जो है तमिरम्बरानी और वाइपर नदियां जो है ये आपका यहां पर एस्चुरीज बनाती है। साथ ही साथ यहां पर आपका जो है मालवातु ओया, ये आपका जो है श्रीलंका की रिवर है जो कि यहां पर आपका गल्फ ऑफ मन्नार में ड्रेन करती है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर डुगोंग या काओ सी या सी काओ जो है वो आपका पाई जाती है, और जिसको आपका जो है समुद्री गाय कहा जाता है डुगोंग। आर्मी में मैप की जरूरत खूब पड़ती है, उसका यूज कैसे करें, मैप से ज्योग्राफी कैसे समझे, तो इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो है बेटा शिवम, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप यहां पर अगर देखें गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की, तो इसको 1989 में एस्टैब्लिश किया गया। साथ ही साथ तमिलनाडु में ये है आपका जो है बेसिकली रामेश्वरम से और आपका जो है ये श्रीलंका तक आपका एक्सटेंड करता है। सेकेंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, और यहां पर डुगोंग यानी कि सी काउ जो है वो आपका पाई जाती है, वो आपका यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। इसके बाद सुंदरबंस की बात करें, तो सुंदरबंस जो है ये आपका मैंग्रोव एरिया है, डेल्टा जो है आपका बनता है यहां पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के द्वारा बे ऑफ बंगाल में, और वहां पर आपका सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका यहां पर लोकेटेड है। बेसिकली यहां पर आपके 4 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। अगर मैं बात करूं आपका, तो सुंदरबन में वी हैव 4 बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, कौन कौन से हैं आपके, अगर आप यहां पर देखें तो सुंदरबन वेस्ट है जो बांग्लादेश में है, सुंदरबन साउथ ये भी बांग्लादेश में है, सुंदरबन ईस्ट ये भी आपका बांग्लादेश में है, लेकिन सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वो आपका इंडिया में लोकेटेड है। और साथ ही साथ यहां पर आपका जो है गवर्नमेंट के द्वारा आपका जो है बहुत सारे प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन एफर्ट्स आपके किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सुंदरबन एरिया है, जो मैंग्रोव है, ये लगातार आपका जो है थ्रेट में है नेचुरल और ह्यूमन मैन मेड कॉजेस की वजह से। ठीक है, तो सुंदरबन नेशनल या आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1989 में, और ये वेस्ट बंगाल में है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना डेल्टा का आपका रीजन है, और यहां पर मेजर स्पीशीज जो पाई जाती है दैट इज रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है बेटा, गल्फ ऑफ रन जो कच्छ ऑफ रन जो आपका जो रन का कच्छ है वो वाला जो एरिया है वो आपका जो है वो आपका फर्स्ट लार्जेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मानस, मानस नेशनल पार्क की बात करें या मानस बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, तो बेसिकली ये आपका प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है और एलिफेंट रिजर्व भी है जो आपका असम में आपका लोकेटेड है।
ठीक है, ये आपका जो है हिमालयन फुटहिल्स में लोकेटेड है, जहां पर आपका जो है रॉयल मानस नेशनल पार्क भी आपका लोकेटेड है भूटान में, उसी के सटा हुआ आपका मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका लोकेटेड है। और साथ ही साथ यहां पर आपका जो है बहुत रेयर और एंडेमिक वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, जैसे असम रूफ टर्टल है, हिस्पिड रेयर गोल्डन लंगूर और पिग्मी हॉक भी यहां पर आपका पाया जाता है। 1985 में इसको जो है आपका यूनेस्को की वो जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें शामिल किया गया था, इसको आपका एस्टैब्लिश किया गया था 1989 में असम में। और यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर कोकराझर, बोगाईगांव, बारपेटा, नलबाड़ी, कामरूप और दरांग, ये वाले रीजन आपके शामिल है असम में। और इसमें आपका एशियाटिक लायंस, एशियाटिक एलिफेंट्स, टाइगर, असम रूफ टर्टल, हिस्पिड हेयर और गोल्डन लंगूर जो है वो आपके पाए जाते हैं मानस बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की। ग्रेट निकोबार जो है ये आपका बेसिकली ग्रेट निकोबार आइलैंड पर आपका लोकेटेड है, उसका मेजर पार्ट यानी कि लगभग 85% जो आइलैंड है आपका ग्रेट निकोबार, वो आपका ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में है। और ये लार्जेस्ट आइलैंड है ग्रेट निकोबार आपका निकोबार आइलैंड्स का। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं यहां पर तो 2013 में इसको मैप प्रोग्राम में आपका इंक्लूड किया गया, यहां पर आपका जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और साथ ही साथ लैंड कम्युनिटी जो लोकल कम्युनिटी है उसके एफर्ट्स और साउंड साइंस के थ्रू इसको जो है प्रॉपरली डेवलप करने के लिए। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इसको 1989 में आपका एस्टैब्लिश किया गया था, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है। बेसिकली आपका ग्रेट निकोबार जो लार्जेस्ट आइलैंड है निकोबार का और सदर मोस्ट आइलैंड है अंडमान निकोबार का, यहां पर आपका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपके पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है सिमलीपाल रिजर्व, जो बायोस्फीयर रिजर्व है सिमलीपाल का, ये आपका टाइगर रिजर्व था मयूरभंज में आपका इन ओडिशा, और इसको जो है आपका इट इज ऑल्सो नेशनल पार्क, जहां पर इसका नाम जो है बेसिकली यहां पर पाए जाने वाले रेड सिल्क कॉटन ट्रीज की वजह से आपका पड़ा। ठीक है, यहां पर आपके बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, गॉड और आपका चौरासिंगा भी आपका जो है पाया जाता है। और ये आपका मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का भी हिस्सा है, जहां पर तीन प्रोटेक्टेड एरियाज आपके आ जाते हैं। कौन कौन से तीन प्रोटेक्टेड एरियाज है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, इसी के साथ साथ आपका हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये तीनों आपके मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व में आपका शामिल है और ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड मैप प्रोग्राम में आपका जो है 2009 से शामिल है। तो आप यहां पर देख सकते हैं सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है, ये आपका 1994 में आपका एस्टैब्लिश किया गया, मयूरभंज में है और यहां पर गौर, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट भी आपका जो है यहां पर पाए जाते हैं उड़ीसा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। इसका नेक्स्ट वन इज दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। दिहांग दिबांग की बात करें तो ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है जो आपका अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। 1998 में इसको आपका जो है बनाया गया था और यहां पर आपका मॉलिंग नेशनल पार्क है, साथ ही साथ दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपका जो है इसी बायोस्फीयर रिजर्व में आपके आते हैं। ये जो रिजर्व है ये आपका तीन डिस्ट्रिक्ट में है, दिबांग वैली, अपर सियांग और आपका वेस्ट सियांग में आपका लोकेटेड है। और साथ ही साथ यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि इस बायोस्फीयर रिजर्व में आपका सभी तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है, सभी तरीके की यानी कि ट्रॉपिक से लेकर और टुंड्रा टाइप का ऑफ वेजिटेशन, सभी तरीके की वेजिटेशन आपको जो है इस बायोस्फीयर में देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो दैट इज दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व और ये आपका एस्टैब्लिश किया गया था 1998 में अरुणाचल प्रदेश में, सियांग और दिबांग वैली का हिस्सा है। और यहां पर मेजर जो आपका स्पीशीज है मिश्मिताकेन और मस्क डियर। इसका नेक्स्ट वन इज दिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क या आपका जो है बायोस्फीयर रिजर्व या आपका दिब्रूगढ़ में और आपका तिनसुकिया जिले में आपका लोकेटेड है असम में। ये आपका जो है बायोस्फीयर बनाया गया आपका 1997 में, जहां पर इसका जो कोर एरिया है लगभग 340 किलोमीटर स्क्वायर है। ये सनराइजेज इन दी अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल। ये पार्क जो है वो आपका जो है चारों तरफ से आपका जो है नदियों से घिरा हुआ है, ब्रह्मपुत्र और लोहित है आपका जो नॉर्थ में, और साउथ में आपका जो है दुब्रू नदी जो है वो आपका यहां से बहती है। और दिसंबर 2020 में गुवाहाटी के हाईकोर्ट ने यहां पर आपका जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड यहां पर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के लिए आपका काम करना चाहती थी, लेकिन उसको स्टे दे दिया और यहां पर उसको जो है काम करने के लिए आपका मना कर दिया गया था। साथ ही साथ दिब्रू साइखोवा
बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है आपका इंडिया का. इट इज द स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो हमारे इंडिया में है. एस्टैब्लिश हुआ था 1997 में असम में डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में है. स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है. और साथ ही साथ अगर यहां पर स्पीशीज की बात करें तो व्हाइट विंग्ड वुड डक, वाटर बफेलो, ब्लैक ब्रीस्टेड पैरट बिल और टाइगर कैप्ड लंगूर वो आपके यहां पर पाए जाते हैं डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व में. इसका नेक्स्ट वन इज पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये बेसिकली आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में है. पचमढ़ी यहां पर आपका जो है, पचमढ़ी में आपका जो है पहले जो है आर्मी एजुकेशन सेंटर भी हुआ था, हुआ करता था. ठीक है, एईसी का सेंटर था यहां पर पचमढ़ी में. और ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है सतपुड़ा रेंज में. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों वाला हिस्सा यहां पर आपका इंक्लूडेड है. यहां पर अगर हम बात करें आपका 1999 में इसको जो है एक कंजर्वेशन एरिया जो है वो आपका बनाया गया. ठीक है, कंजर्वेशन एरिया बनाया गया. और यहां पर आपके जो है अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पचमढ़ी में आपका हिमालयन माउंटेन्स और वेस्टर्न घाट्स वाले भी एनिमल्स जो है वो यहां पर पाए जाते हैं. यूनेस्को ने इसको 2009 में एक बायोस्फीयर रिजर्व जो है घोषित किया गया. और यहां पर आपके तीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बोरी सेंचुरी, पचमढ़ी सेंचुरी और सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है वो आपका यहां पर लोकेट है. तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें 1999 में इसको एस्टैब्लिश किया गया है मध्य प्रदेश में बैतूल होशंगाबाद छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में. और यहां पर जायंट स्क्विरल और फ्लाइंग स्क्विरल जो है वो आपका जो है वो देखी गई है. ऑलराइट, हां बिल्कुल. अमरकंटक से आपका जो है नर्मदा बहती है उसके बारे में बात करेंगे, अभी आगे आएगा अमरकंटक. ठीक है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा नेशनल पार्क या कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका सिक्किम में लोकेटेड है. साथ ही साथ ये आपका जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है 2016 में बनाया गया जब ये आपका मिक्स्ड साइट या मिक्स्ड हेरिटेज साइट जो है वो आपका डिक्लेयर की गई थी. तो अगर मैं बात करूं आपका, अगर हम यहां पर देखें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आपका कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व या जो नेशनल पार्क है वो आपका शामिल है. ठीक है, ये आपका जो है यहां पर कंचनजंगा पीक है उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है. और साथ ही साथ कंचनजंगा पीक जो है वो आपका थर्ड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की आफ्टर माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट के बाद K2 और फिर तीसरा नंबर आता है आपका जो है कंचनजंगा का. और यहीं पर इसी बायोस्फीयर रिजर्व में आपका जो है देयर इज अ थोलुंग मोनेस्ट्री जो कि आपका यहां पर लोकेटेड है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में. ठीक है, तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2000 में और ये आपका सिक्किम में लोकेटेड है. यहां पर आपका जो है स्नो लेपर्ड के साथ साथ रेड पांडा भी आपका जो है वो पाया जाता है, वो यहां पर देखा गया है. इसके बाद हम बात करते हैं अगस्त्यमलाई या अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व की. अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व जो है बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 2001 में आपका एस्टैब्लिश किया गया. ये आपका वेस्टर्न घाट्स में केरला और तमिलनाडु में आपका लोकेटेड है. अगस्त्यमाला जो है ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क में आपका शामिल हुआ था 2016 में. और इसमें आपका जो है चार अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती है. कौन कौन सी? इसमें आपका है शिंदुरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साथ ही साथ पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कलक्कड़ मुंदुतराई टाइगर रिजर्व. ये आपका जो है अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में आपका जो है ये सभी आपके शामिल है. ठीक है, तो इसका एस्टैब्लिश किया गया था 2001 में. ये आपका केरला और तमिलनाडु में है. साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहां पर तो नेयर पेपारा शेंद्रुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और उसके एडजॉइनिंग एरियाज आपका अगस्त्यमाला या अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में आपके शामिल है. और यहां पर आपका नीलगिरी ताहर और आपका एशियन एलिफेंट्स ये आपका मोस्ट प्रोमिनेंट स्पीशीज है जो यहां पर देखने को मिलते हैं. इसका नेक्स्ट वन इज अचनाकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व. अचनाकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये आपका जो है लोकेटेड है आपका जो है सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में. और साथ ही साथ तीन मेजर रिवर्स आपका यहां से निकलती है. नर्मदा है, नर्मदा के साथ साथ सोन रिवर है और एक और नदी है जिसका नाम है आपका जोहिला. ये तीनों नदियां आपका जो है यहां से आपका फ्लो करती हैं. ठीक है, यहां से ये ओरिजिनेट होती है. कहां से? इस बायोस्फीयर रिजर्व से. अचनाकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व.
यहां पर आपका मैकाल हिल रेंजेस है, विंध्यन और सतपुड़ा रेंजेस हैं जो कि यहां पर आपके लाई करते हैं अर्चना कुमार, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व में, और इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया था एज अ बायोस्फीयर रिजर्व 2005 में। और ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो रीजन है, जैसे आपका अनूपपुर है, डिंडोरी है, बिलासपुर है, उसमें आपका लोकेटेड है। और यहां पर आपका सारस क्रेन के साथ साथ वल्चर, फोर हॉर्न्ड एंटीलॉप भी आपका यहां पर पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद ग्रेट रन ऑफ कच्छ की बात करें, ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो है ये आपका सॉल्ट मार्श है, ठीक है। आपका जो है बेसिकली नमक का आपका जो है बहुत बड़ा आपका जो है एक मार्शी एरिया है जो लाई करता है आपका थार डेजर्ट में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में। और ये आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट्स भी आपका माना जाता है वर्ल्ड का, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका तो रात को, ठीक है, यहां पर एक अनएक्सप्लेन स्ट्रेंज डांसिंग लाइट फिनोमेना देखने को मिलता है, जिसको लोकली आपका जो है चीर बत्ती कहा जाता है या गोस्ट लाइट कहा जाता है, जो कि रन में होता है। और साथ ही साथ बन्नी ग्रासलैंड्स हैं, सीजनल जो आपके वेटलैंड्स हैं वहां पर ये आपको रात को जो है रंग बिरंगी लाइट्स जो है देखने को मिलती है, चीर बत्ती इसका नाम है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है आपका इंडिया का। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, ग्रेट जो आपका रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका 2008 में एस्टैब्लिश किया गया, कच्छ, मोरबी और सुरेंद्रनगर, पाटन डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं, और लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। बेटा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे आपका लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व में सुंदरबन मार्क करके आते हैं, सुंदरबन नहीं है, जो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है दैट इज ग्रेट रन ऑफ कच्छ। और यहां पर आपका इंडियन वाइल्ड हॉर्स यानी कि जंगली गधा जो है वो आपका पाया जाता है। इसका कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका वेस्टर्न हिमालयाज में आपका लोकेटेड है, कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। इसको 2009 में आपका बायोस्फीयर रिजर्व आपका घोषित किया गया था। और अगर हम बात करें यहां पर तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें आपका जो है चंद्रताल, चंद्रताल के साथ साथ आपका किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पिन वैली नेशनल पार्क और आपका सरचू वाला एरिया जो है वो आपका इसमें इंक्लूडेड है, कहां पर, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसको 2009 में एस्टैब्लिश किया गया हिमाचल प्रदेश में, पिन वैली नेशनल पार्क, सराउंडिंग एरिया चंद्रताल और सरचू, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब आपका जो है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में आपका शामिल है। और यहां पर आपको जो है स्नो लेपर्ड जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो शेषाचलम ये आपका हिली रीजन्स है या हिली रेंजेस है जो ईस्टर्न घाट्स में आपका जो है आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। और ये आपका जो है प्री कैम्ब्रियन पीरियड में ये रेंजेस आपका जो है डेवलप किए गए थे। यहीं पर आपका जो है तिरुपति जो है वो आपका लोकेटेड है, ठीक है। तिरुपति अगर हम बात करें आपका जो मेजर हिंदू पिलग्रिमेज टाउन है वो आपका इन्हीं हिल्स में आपका लोकेटेड है। और यहीं पर आपका श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी है जो आपका यहां पर लोकेटेड है। 2010 में इसको आपका बायोस्फीयर रिजर्व आपका बनाया गया था। और साथ ही साथ यहां पर सैंडलवुड यानी कि आपका जो है जो चंदन की लकड़ी है वो आपका यहां पर पाई जाती है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करें शेषाचलम की तो शेषाचलम ये आपका 2010 में आंध्र प्रदेश में आपका बनाया गया। और ये आपका बेसिकली शेषाचलम हिल्स है चित्तूर और कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में। यहां पर स्लेंडर रोरिस ये आपका जो है एक मेजर स्पीशीज है जो कि आपका यहां पर पाई जाती है। इसके बाद पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो पन्ना नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका जो है मध्य प्रदेश में आपका लोकेटेड है, पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। और 1994 में इसको आपका एक टाइगर रिजर्व के तौर पर आपका इसको घोषित किया गया था, जो उस समय का 22nd टाइगर रिजर्व था और एमपी का आपका 5th टाइगर रिजर्व था। पन्ना नेशनल पार्क को आपका जो है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी आपका दिया गया 2007 में फॉर द बेस्ट मेंटेन्ड नेशनल पार्क ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो पन्ना नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपका जो है 2011 में एस्टैब्लिश किया गया मध्य प्रदेश में, पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। और साथ ही साथ अगर यहां पर बात करें तो जो यहां पर यू विल फाइंड द मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, बंगाल टाइगर, चिंकारा, नीलगाय, सांबर डील डियर और आपका स्लॉथ बियर ये यहां पर आपके पाए जाते हैं। थैंक यू कल्पना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपका टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स की इंडिया में तो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर। आप यहां पर देख सकते हैं कोल्ड डेजर्ट है, नंदा देवी, कंचनजंगा, मानस, दिबांग
और नौकरेक, दिब्रू साइकोवा, सुंदरबन, सिमलीपाल, अचनकमार, अमरकंटक, पन्ना, पचमढ़ी, कच्छ, नीलगिरी, शेषाचलम, गल्फ ऑफ मन्नार, अगस्ता मलाई और आपका ग्रेट निकोबार। ये टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारे जो है भारत में शामिल है। ठीक है, तो आप यहां पर भी देख सकते हैं इनकी लोकेशन और जो नोटिफिकेशन है, ये पूरी आपका टेबल आपको मिल जाएगी आपका जो है पीडीएफ में, उसमें आप जो है नोट कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ में आपका पूरी कंप्लीट टेबल मिल जाएगी टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स की। तो आप यहां पर देख सकते हैं जो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है वो आपके कहां कहां पर है, कोल डेजर्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, मानस, दिब्रू साइकोवा, दोनों आपका असम में है, दिहांग दिबांग, नौकरेक, सुंदरबन, सिमलीपाल, शेषाचलम, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सारे अगस्त्य मलाई, नीलगिरी, अचनकमार, पचमढ़ी और कच्छ और नंदा देवी। ये आपके जो है टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है जो कि हमारे यहां पर हमारे इंडिया में लोकेटेड है। अब अगर मैं बात करूं आपका मैप प्रोग्राम की, तो मैं आपको शुरुआत में बताया था कि मैप प्रोग्राम जो है 1971 में आपका जो है स्टार्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा, और यहां पर आपके टोटल जितने भी आपके जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं आपका जो है डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा, उनको वर्ल्ड नेटवर्क में आपका इंक्लूड किया जाता है मैप प्रोग्राम में। और ये जो कमिटी ऑफ मैप प्रोग्राम है, ये आपका जो है जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है अगर उनकी जो है क्राइटेरिया मीट आउट होता है तो उस कंडीशन में उनको रिकॉग्नाइज करती है। और इंडिया में जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व मैप प्रोग्राम में आपके शामिल है। ठीक है, 12, 18 में से 12, ध्यान रखिएगा बेटा, टोटल तो इंडिया में 18 है लेकिन वर्ल्ड नेटवर्क में केवल आपका 12 यानी कि 12 ही शामिल है। कौन कौन से हैं ये आप अगर देखें तो नीलगिरी है, नीलगिरी के साथ साथ आपका गल्फ ऑफ मन्नार प्लस सुंदरबंस, नंदा देवी, नौकरेक, ठीक है, पचमढ़ी, साथ ही साथ सिमलीपाल, फिर उसके बाद ग्रेट निकोबार जो निकोबार आइलैंड्स में है, अचनकमार, अमरकंटक, ये आपका इंक्लूडेड है, अगस्त्य मलाई ये भी आपका इसमें इंक्लूडेड है, और साथ ही साथ कंचनजंगा और आपका जो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ये टोटल 12 आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि वर्ल्ड नेटवर्क में है। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स, और साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो सी जो आपके जो है टोटल हमारे जो वर्ल्ड नेटवर्क में बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपके शामिल है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड नेटवर्क में सिर्फ 12 है लेकिन टोटल आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि इंडिया में आपके हैं। ऑलराइट, इसी के साथ साथ आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉर एनी ऑफ द अपडेट्स, चाहे वो एग्जाम अपडेट्स हैं, आपका जो पीडीएफ है उसके लिए भी, और साथ ही साथ आपका जो है एग्जाम अपडेट्स, डेली पीडीएफ्स, डाउट रेजोल्यूशन के लिए भी। ठीक है, एंड प्लस इफ यू वांट टू, इफ यू विश टू स्कोर गुड इन द एफकैट, तो आप फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हमारा जो है मेन फोकस होता है आपका स्टैटिक जीके पर, क्योंकि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एफकैट एग्जामिनेशन। और ये कोर्स ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये आपको 220 प्लस मार्क्स स्कोर कराता है। तो यू कैन ज्वाइन द उड़ान फाउंडेशन कोर्स है एफकैट 1 2024 के लिए, और आप देख सकते हैं संजीव जाजू वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, एंड अगर कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दी कोर्सेज तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9650052904 इस नंबर पर। दैट वुड बी ऑल, आई होप आपको क्लियर होगा सभी बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया के पीडीएफ, बहुत जल्दी आपका जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। लेकिन साथ ही साथ शाम को 7 बजे आप मिलेंगे किसके लिए, आपका क्विज के लिए ऑन दी बायोस्फीयर रिजर्व्स। ऑलराइट, तो एक क्विज भी कंडक्ट करते हैं शाम को 7 बजे, कहां पर, यूट्यूब पर नहीं, एप्लीकेशन पर। तो ऐप पर मिलेंगे आपका जो है ऑन एट 7 o'clock और क्विज कंडक्ट करेंगे ऑन द बायोस्फीयर रिजर्व। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब टू द चैनल बायजूस एग्जाम प्रेप, CDS, एफकैट एंड CAPF, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।